नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द टॉप। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था जिसमें एशियन में एशिया का टॉप 10 में जो रिचेस्ट पर्सन है उसका नाम पूछा गया था हुरेन ग्लोबल रिच लिस्ट में। तो यहाँ पर उसी लिस्ट में टॉप पोजीशन में कौन है उनका नाम पूछा गया है। ये जो लिस्ट बनाई गई है, कंपाइल की गई है, उनका नाम आपको याद रखना है, हुरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2019। इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर कौन है? तो अमेज़ॉन के जेफ बेजोस जो कि टॉप पोजीशन पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज इनोग्रेटेड अ वेब पोर्टल बांग्लार शिक्षा विच इज सेट टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा ऑन स्टेट रन एंड एडेड स्कूल। किस स्टेट के द्वारा लाया गया है, विच स्टेट, कौन से स्टेट ने इसका उद्घाटन किया है इस तरीके की शिक्षा का। तो आपको गिवन ऑप्शन में से टिक करना है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने ये शिक्षा का उद्घाटन किया है, वेब पोर्टल बैंगलोर शिक्षा। तो यहाँ पर बैंगलोर शिक्षा किस तरीके का है, ये प्रोवाइड कराएगा रियल टाइम डेटा ऑन स्टेट रन एंड जो अरे जो सहायता बेस्ड जो स्कूल होते हैं उनके लिए। ये पोर्टल किस नाम से है ये आप याद रखिएगा, बांग्ला शिक्षा .gov.in। विल बी अप एंड रनिंग इन 2 मंथ टाइम एंड मिनिस्ट्रल स्टेट, जो कहा गया है मिनिस्टर के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया है टिट्टन बाला म्यूजियम का, दैट शो केस द हैंड ब्लॉक पेंटिंग ऑफ द चिप्पा कम्युनिटी इन। अब आपको बताना है कहाँ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है राजस्थान। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया है चिटवाना जो म्यूजियम का, दैट शोकेस द हैंड ब्लॉक पेंटिंग ऑफ द चिप्पा कम्युनिटी इन बागरू राजस्थान। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि हाँ कितना पुराना है इसका हिस्ट्री, तो ये 1000 वर्ष है, द हिस्ट्री ऑफ ओवर 1000 ईयर। इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में अपने। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन एवर, आपको उस बैट्समैन का नाम बताना है जिसने 500 या उससे अधिक और 500 और मोर सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट में रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। गिवन ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा नाम हमारा करेक्ट है, क्रिस गेल, विराट कोहली, अमेज़ोनी या मैक्सवेल, कौन है इसमें करेक्ट ऑप्शन आंसर हमारा। तो यहाँ पर जो आंसर है आंसर ए, क्रिस गेल की बात की गई। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच सिटी, यहाँ पर आपको सिटी का नाम बताना है जहाँ पे DDRS फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा वॉज इनोग्रेटेड, जिसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हु इज अ प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको बताना है इस समय कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पद पर, जिन्होंने DDRS का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, गहलोत। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंट में शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है, प्राइज है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है, 2016, 17 और 18 का अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें कितने जो विजेताओं को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है, आपको विभिन्न ऑप्शन में से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है 34 आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, सिग्नल चिप का अभी अनावरण किया गया है, एक सेमी कंडक्टर चिप है जो कि 4G LTE एंड 5G मॉडम पर बेस्ड है। ये जो सिग्नल चिप है ये बेस्ड इन कहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, जब भी इस तरीके का न्यूज अपडेट होता है तो आप अपना माइंड लाइक क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु में इसका किया गया है, ये फर्स्ट इस तरीके की चिप है जो डेवलप की गई है इंडिया में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, EASE रिपोर्ट में शो किया गया है सिग्निफिकेंट इन्हेंसमेंट इन PSB पब्लिक सेक्टर बैंक का परफॉर्मेंस ऑन, इसमें बताया है कि बैक द गवर्नमेंट फूड स्ट्रेटजी, मतलब कि चार चीजों पर ही फोकस करते हैं जो इनका प्लान है, वो है रिकॉग्निशन,
रिकवरी और रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म। तो यहाँ पर आपको बताना है व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EASE, जिनका ये रिपोर्ट है, ESE रिपोर्ट हैज जिन्होंने शोन किया, तो ESE का फुल फॉर्म क्या है। गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है, इसका फुल फॉर्म इनहैंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंसी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है, इनहैंस एक्सेस एंड सर्विस, सर्विस है, सर्विस एक्सीलेंसी। यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है ए, क्योंकि यहाँ पर एजेंसी दे रखा है और यहाँ पर ए करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IRCTC ने लॉन्च किया इट्स ओन डिजिटल पेमेंट्स एग्रीगेटर, आपको बताना है उसका नाम। IRCTC के द्वारा जो लॉन्च किया गया ओन डिजिटल पेमेंट्स, उसका नाम क्या है, आई सिक्योर, आई मनी, आई पे, आई ट्रांसफर, आई पे, क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है आई पे। किस लिए लाया गया, ये आपने ऑलरेडी अपडेट किया है, नहीं किया है तो ये आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विच बैंक हैज सिक्योर द टॉप स्पॉट अमंग द ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म एजेंडा अकॉर्डिंग टू BCGIBA रिपोर्ट EASE रिफॉर्म फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका फुल फॉर्म तो अभी आपने देख ही लिया है, आपको बताना है कौन सा बैंक टॉप पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद नेक्स्ट है यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अभी अनाउंस किया है एक नए रेलवे जोन का आंध्र प्रदेश में, ये कौन से नंबर का रेलवे जोन होगा आपको बताना है। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 18 नंबर का ये हमारा रेलवे जोन बनाया जा रहा है, और जिसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है, यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा किया जा रहा है, किया गया है। और ये कहां पर, तो साउथर्न जो कोस्ट रेलवे में, इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, 18 नंबर का ये है। इसमें 205 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, इसमें जो कुल लागत आ रही है 205 करोड़ का अराउंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इंडिया और किसके बीच में समझौता हुआ है फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचना है उसका अदला बदली की जाएगी, एंड असिस्टेंस इन कलेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेस इन ऑर्डर टू क्रब द टैक्स क्वेश्चन एंड टैक्स अवेडेंस इन न्यू दिल्ली रिसेंटली में, अभी रिसेंट में ये समझौता हुआ है। तो किस किस के बीच में हुआ है जो इन्फॉर्मेशन है टैक्स और अवॉइडेंस से रिलेटेड, उसकी अदला बदली के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है गिवन ऑप्शन में से साउथ कोरिया, ब्रुनेई या फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ब्रुनेई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अभी अनाउंस किया है जो अभी हमने आपके साथ बताया था एक न्यू रेलवे जोन का नंबर आपको ऑलरेडी याद होगा। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, अभी हमने थ्योरी में आपको हेडक्वार्टर पे इसका डिस्कस किया था, विशाखापट्टनम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया है, विशाखापट्टनम में। इसके बाद नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रेवल अफेयर ज़ियोल ओरम हैज लॉन्च द एमिशन स्कीम of the Ministry of Travel Affairs. What is the name of the scheme? आपको इसका नाम बताना है, जो कि ये जो ट्रेवल अफेयर्स है उनके लिए ये जो स्कीम लाई गई है, लॉन्च एम्बिशियस स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल अफेयर्स। तो यहाँ पर उसका नाम आपको बताना है किस नाम से, तो वंधन के नाम से इसे लॉन्च किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ये थ्योरी है, थ्योरी एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनुप्रिया पटेल हैज इनोग्रेटेड द इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ सिंपोसियम एंड एग्जीबिशन ऑन डिजिटल हेल्थ एज पार्ट ऑफ द, अब आपको बताना है जयपुर, ये कहाँ पर, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, न्यू दिल्ली में। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ जापान के बीच में समझौता हुआ है रिसेंटली में, साइन अप BSA रिसेंटली, BSA प्रोवाइड फॉर इंडिया टू एक्सेस। अब BSA जो प्रोवाइड करेगा इंडिया को एक्सेस करने के लिए कितना अमाउंट $, वेयर हाउस द ईयरली BSA हैड प्रोवाइड फॉर $50 बिलियन, इससे पहले जो प्रोवाइड किया था $50 बिलियन का किया था, अब कितना वो प्रोवाइड करेगा एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है $75 बिलियन। आते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, ये पूरा थ्योरी है, आप इसको पूरा थ्योरी अपडेट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इस थ्योरी को अपडेट नहीं किया है।
इसके बाद नेक्स्ट है नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन AIM, एंड आपको नाम बताना है कौन सा है, उनके बीच में समझौता हुआ है, असाइन हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SDI का फुल फॉर्म है, कलेक्टिविटी ड्राइव ऑन चार्टर ऑफ डेवलपिंग क्रिएटिविटी स्किल एंड स्प्रेडिंग डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस द ऑल अटल जो लाइक लैब्स हैं ATL इन इंडिया। तो किस किस के बीच में ये समझौता हुआ है, मतलब कि एक तो आपका नीति हो गया, नीति आयोग AIM, एंड दूसरा आपको नाम बताना है तो किसके बीच में हुआ है के बीच में। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ जापान ने अभी साइन किया है BSA रिसेंटली। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSA? BSA स्टैंड फॉर, आपको बताना है। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से कौन सा हमारा करेक्ट है ABCD में से, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर ए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया है, आपको नाम बताना है। दैट शोकेस द हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑफ द चिप्पा कम्युनिटी इन राजस्थान। तो ये किस तरीके का उन्होंने, किसका उद्घाटन किया है? तो अभी आपने हमने हमने आपको बताया था टिटन बाला म्यूजियम का, तो आंसर हमारा क्या है, ई है। इसके बाद नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इज द मोस्ट, यहाँ पर अगर देखा जाए साइंस और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है अवार्ड दिया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये इट वॉज फर्स्ट, ये कब से इसे इंट्रोड्यूस किया गया, ये कब से ये आया है, तो 1952, 1961, 49, 57 या 69, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शांति स्वरूप भटनागर सबसे पहले किसको दिया गया है या फिर ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है हमारा 1957 से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु वॉज द ओनली इंडियन बॉक्सर, आपको उस बॉक्सर का नाम बताना है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, बाकी जो फाइव अदर्स थे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है किस में, तो मार्कन कप जो हुआ था ईरान में उसमें। तो गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन से हैं ओनली बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बाकी फाइव लोगों ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है दीपक सिंह, दीपक सिंह ने 49 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, बाकी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं उनके सबके नाम दे रखे हैं, कितने कितने किलोग्राम वर्क में जीता है उसकी भी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, या यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप फॉर ए सेंट्रल फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स इन कहां पर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पटना, वाराणसी या ग्वालियर। तो यहां पर करेक्ट आंसर है हमारा ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट हैज सिक्योर प्लेस इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ था, जहां पर मैनेजमेंट किया गया, इतना सब कुछ मैनेज किया गया, और वो कौन सा इस तरीके का लाइक इवेंट था आपको बताना है। तो यहां पर आप सभी को मालूम है कुंभ मेला, जहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जिसका मैनेजमेंट सिस्टम और सब कुछ देखते हुए कुंभ मेले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आंसर डी। इसके बाद पीएम मोदी जी ने रिसेंटली उद्घाटन किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, कहां पर आपको बताना है, लखनऊ, गोरखपुर, अमेठी या लखीमपुर। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है अमेठी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल आउटले ऑफ द प्रधानमंत्री जीवन योजना रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। कैबिनेट के द्वारा अभी रिसेंट में जीवन योजना को अप्रूव किया गया है, इसमें कितना जो अमाउंट है वो जो फाइनेंशियल आउटले है वो अप्रूव किया गया है आपको बताना है, गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कितना अप्रूव किया गया है 1969.50 करोड़, क्या कह सकते हैं 1969.50 करोड़। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, व्हाट वाज द आउटले ऑफ द स्कीम स्टार लॉन्च बाय द HRD मिनिस्टर रिसेंटली। अब अच्छा स्टार्स के लिए कितना अमाउंट जो है वो अलाउ किया गया, तो यहाँ पर जो अमाउंट अलाउ किया गया है 250 करोड़ रुपए का, तो आंसर है हमारा ए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, रिसेंटली आयुष्मान भारत लिंक किया गया है जो एग्रीमेंट हुआ है विद विच कैब, आपको बताना है किस कैब के साथ हुआ है, जिसमें प्रोवाइड किया जाएगा फ्री हेल्थ केयर फॉर ड्राइवर, जिसमें आयुष्मान जो लिंक किया गया है
कैप का नाम आपको बताना है, जिसके द्वारा जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड किया जाएगा फ्री वहाँ के ड्राइवर्स के लिए। तो उबर है, ओला है या ओए है, इनमें से कौन सा गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है आंसर ए, उबर। इसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, हैंडला खांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज टॉप एस्पिरेंटल डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, इसमें कौन सा है जो कि नंबर वन पर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी, कौन सा? असम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच स्टेट विल डेवलप 100 फार्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार फिश दिस ईयर? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका में से, तो हमारा आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंसी ऑफ हिमालय फाइबर, हिमालयन फाइबर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या वेस्ट बंगाल? कहाँ पर? तो ये जो हो रहा है सेटअप, सी आंसर है, उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आप सकते, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हिमालयन फाइबर इन अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट। आपको याद, डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम पूछे तो अल्मोरा आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु क्रिएट द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट सिंगल लाइन साइकिल परेड का? किसके द्वारा कि एक ही लाइन में, एक एक होता नहीं, एक लाइन में आपको परेड परेड करना है और सिंगल लाइन में, और ये साइकिल का ये परेड है, तो किसके द्वारा ये बनाया गया है इस तरीके का जो रिकॉर्ड है? तो यहाँ पर जो बनाया गया रिकॉर्ड वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, CISF के द्वारा ये रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CISF इसमें 1327 जो साइकिल सवार थे CISF के जवान, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सिंगल लाइन में उन्होंने एक सिंगल लाइन मेंटेन करते हुए उन्होंने की जो परेड है वो निकाला है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रिसेंटली RBI ने इम्पोज किया है मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ देना बैंक एंड, और कौन सा बैंक है जिस पर नॉन कंप्लायंस विद वेरियस डायरेक्शन? तो यहाँ पर जो चीजें उनको कंप्लीट ना करने के कारण देना बैंक और किस बैंक पर जो मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है विद वेरियस डायरेक्शंस, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आंसर सी, RBI ने इम्पोज किया है मॉनेटरी जो पेनल्टी ऑफ 2 करोड़। कितने का ये पेनल्टी लगा है? 2 करोड़ का लगा है, जिसमें 2 करोड़ ऑफ देना बैंक, 2 करोड़ तो देना बैंक पे लगाए पेनल्टी। इसके अलावा 1 करोड़ का जो पेनल्टी लगाए वो IDBI बैंक पर लगाए, फॉर किस रीजन से? नॉन काम, यानी कि जो काम है उसको नहीं पूरा किया गया विद वेरियस डायरेक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट है, RBI ने इम्पोज किया है पेनल्टी ऑफ 4 करोड़, यहाँ पे 4 करोड़ का पेनल्टी लगा है विच बैंक, नाम आपको बताना है, फॉर डिले करने पर जो स्विफ्ट रिलेटेड जो ऑपरेशन है उनको डिले करने पर, स्विफ्ट आप सभी को मालूम, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरफेस फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म है, मैसेज प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के दौरान। तो यहाँ पर जो उसका उससे रिलेटेड जो ऑपरेशनल है, जो कंट्रोल है, उसमें डिले होने पर 4 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है RBI के द्वारा। तो किस बैंक पर लगाया गया है? तो ये जो बैंक ये लगाया है वो कर्नाटका बैंक पर लगा है पेनल्टी 4 करोड़ का। इसके अलावा नेक्स्ट, विच कंट्री, कौन सी कंट्री है जो टॉप पर है ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो सर्वे है उसमें? तो यहाँ पर जो कंट्री है उसका नाम आपको बताना है, रशिया, कनाडा, इंडिया, UK। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, कौन सा है? इंडिया नंबर वन पे है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज रिसेंटली रिसीव गवर्नमेंट नोट टू हैंडल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन विद ईरान? कौन से बैंक ने ये रिसेंट में रिसीव किया है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है IDBI बैंक। क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज बिकम द ओनली द फोर्थ इंडियन बैट्समैन टू कम्प्लीट 13,000 रन इन लिस्ट ऑफ क्रिकेट? आपको नाम बताना है किसने ये कम्प्लीट किया है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा डी, MS धोनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेगल फॉर सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म के लिए किसे अपॉइंट किया गया? तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी, मार्क सेल। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एट नेशनल कमीशन क्लासेस? तो यहाँ पर आपको NCBC का एक तो फुल फॉर्म याद करना है, और यहाँ पर इस पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा हमारा करेक्ट है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आंसर सी, तो यहाँ पर आंसर है भगवान लाल
सहनी। तो यहाँ पर ये है बीजेपी के लीडर फॉर्मर बिहार मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पर जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हु ज्वाइंड एज अ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ कमीशन मेंबर। 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए अजय नारायण झा। अजय नारायण झा 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इसके और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? ही ज्वाइंस इन प्लेस ऑफ शक्तिकांत दास, अब जो कि बन गए हैं आरबीआई के गवर्नर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टी बोर्ड। हु हैज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टी बोर्ड के चेयरमैन का नाम आपको बताना है। तो गिवन ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर ए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, रिसेंटली भारत मोहन अधिकारी हैज पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड इन विच फील्ड, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? एक्टर या पॉलिटिक्स या पोएट या डायरेक्टर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है बी, ये किस फील्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड हेयरिंग डे? वर्ल्ड हेयरिंग डे का आपको थीम बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है आंसर सी, चेक योर हेयरिंग। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? वर्ल्ड लाइफ डे का आपको थीम बताना है। तो गिवन ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर सी, मीन्स एनिमल एंड प्लांट्स। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है तो एनिमल तो आएंगे, और जब जंगलों जानवरों की बात की जा रही है तो वहां पे प्लांट्स भी जरूरी हैं। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ उससे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। ये तो चेक योर हेयरिंग, ये जो हमारा है थीम, ये तो इसका आ गया है आपका आंसर, ये वाले का ही है। ठीक है, जो सी था जो हमारा इसका था चेक फॉर हेयरिंग। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें बाय मिस्टेक वाला चला गया। तो यहाँ पर हेयरिंग वाले का आपका चेक योर हेयरिंग, ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पर पूछा है वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर बी है, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लांट, ये हमारा बी वाला है। इसमें ये वाला नहीं, एनिमल प्लांट वाला नहीं है, सी नहीं है, यहाँ पर बी वाला है, इसको आप मत करिएगा। इसके बाद आते हैं, ये देखिए फिर से हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है लाइफ लो वाटर और फॉर पीपल एंड प्लांट, ये आप याद रखिएगा। इसका आंसर कौन सा है? आंसर इसका बी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईडीबीआई बैंक? आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर आपको बताना है, आंसर हमारा है सी, मुंबई में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड बैंक? देखिए स्विफ्ट का भी हमने आपको फुल फॉर्म बताया था और पेनल्टी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन बताया था, तो आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड बैंक इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मैसेज का काम करता है, जो मनी ट्रांसफर होता है उसमें ये मैसेज प्रोवाइड कराता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आंसर हमारा बी है, बेल्जियम में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल? सेनेगल का आपको कैपिटल बताना है, ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे हमारा आंसर बी करेक्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सेनेगल? सेनेगल का आपको करेंसी बताना है, यूरो डॉलर रुपी या फ्रेंक। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको करेंसी बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर कि सेनेगल का करेंसी क्या है। तो आई होप आज का डिस्कशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट में और बहुत से क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।